उत्तर प्रदेश में हर रोज दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा, एक के बाद एक, चाहे हाथरस हो चाहे बलरामपुर हो, हमारी दलित बेटियों पर कैसे अत्याचार हुए। बर्बरतापूर्ण उनके साथ न केवल बलात्कार हुआ बल्कि उन्होंने दम तक तोड़ा, और उनके परिवारों के साथ जो बर्ताव किया गया सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा, वो सारी दुनिया ने देखा है। दलितों को कोई अधिकार नहीं। दलितों के जो हमारे हमारी बेटियां हैं, उनके परिवारों को कोई अधिकार नहीं। और अब जब आज राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे नेता शांतिपूर्ण ढंग से हाथरस जाना चाहते थे उस दलित पीड़ित परिवार को मिलने के लिए, तो आपने उनको भी रोका है, उन पर लाठियां बरसाई है। ये एक तानाशाह सरकार है। इस तरह की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ना आम लोग, ना दलित लोग, कोई इस बात को नहीं मानेगा और खड़ा होगा इस अत्याचार के खिलाफ। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमारे गरीबों की आवाज उठाते हैं, और आज अगर उनको जाने से आपने रोका है, आप देख लीजिएगा कि इसका नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और ये तानाशाह सरकार जल्दी ही जाएगी। और इस तरह के जो बर्बरतापूर्ण आप लोगों के रवैये हैं, आप जिस तरह से लाठियां बरसा रहे हैं, ये आम लोग ऐसी बात को कभी सहन नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है।